हाय फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास आज ये सैमसंग का टीवी आया है। देखिए इसमें रेडलेस लाइन आ रही है वाइट कलर में। देखिए लाइनिंग आ रही है वाइट कलर में इसमें। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए हमने खोल लिया है टीवी को। ये सैमसंग का किट है। इस तरह की दिक्कत ज़्यादातर इस ये पिक्चर ट्यूब में बेस बोर्ड लगा है ना, इसी से दिक्कत आती है। या तो मेन आईसी ख़राब हो सकती है या तो ये बेस बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 180 वोल्टेज चेक करेंगे। हमारे बेस बोर्ड में 180 वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। अगर 180 वोल्टेज नहीं आएगा तो ऐसी दिक्कत आती है। यहाँ पे फर्स्ट पिन पे चेक करेंगे हम। यहाँ पे तो देखिए 200 वोल्टेज के आसपास बता रहा है। वोल्टेज तो यहाँ पे सही आ रहा है। ये सैमसंग का किट है तो इसमें देखिए आईसी लगा हुआ है, कलर आईसी जिसको बोलते हैं। किसी किसी में ट्रांजिस्टर लगा होता है। इनमें हम पावर चेक करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है। ये रेड कैथोड है, इसमें 200 के आसपास बता रहा है। ये ग्रीन कैथोड है, इसमें 204 के आसपास बता रहा है। ये ब्लू है, 204 के आसपास बता रहा है। ये वोल्टेज इतना ज़्यादा क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी कलर फिल्टरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 203 ये मेन आईसी है कलर वाली। यहाँ पे देखिए कलर के जो वोल्टेज आते हैं 2.5-3 वोल्टेज, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। देखिए जो मेन आईसी से आते हैं 2 से लेके 3 वोल्टेज तक, यहाँ पे कोई रेड ग्रीन ब्लू कोई भी नहीं शो कर रहा है। या तो ये आईसी ख़राब हो सकती है या तो मेन आईसी ख़राब हो सकती है। अगर ये ऐसी ख़राब होगी तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रही होगी, इसकी वजह से वोल्टेज नहीं दिखा रही है। सबसे पहले हम इस आईसी को चेंज करेंगे। ये कलर वाली आईसी है, इसको चेंज करेंगे। अगर इससे नहीं होगा तो फिर मेन आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन आईसी से ही 2.5 वोल्टेज आते हैं। जब वही वोल्टेज नहीं आएंगे तो यहाँ पर कोई कलर ही नहीं बनेगा, पिक्चर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ये आईसी है इसको चेंज करके देखेंगे। अगर मान लो यही ख़राब हो तो इसी से ठीक हो जाएगी। इस आईसी को देखिए हमने खोल लिया है। देखिए हमने इसको निकाल लिया है। देखिए ये कलर वाली आईसी है। किसी किसी टीवी में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो चाइना की टीवी आती हैं उनमें ट्रांजिस्टर 3 लगे होते हैं रेड ग्रीन ब्लू के लिए। यहाँ पे आईसी दिया हुआ है, ये सैमसंग का टीवी है इसलिए आईसी दिया हुआ है। देखिए इसका नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेम इसी नंबर की हम दूसरी आईसी डाल के देखेंगे। ये 9 पिन की आईसी है। चलिए हम दूसरी आईसी लगा के देखते हैं हमारी टीवी सही होती है कि नहीं होती है। हम वीडियो को स्किप करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। देखिए हमने लगा दिया है दूसरी आईसी। अब आगे आपको दिखाएंगे कि हमारी टीवी सही हुई कि नहीं हुई। देखिए हमने इसको सही से फिट कर दिया है। चलिए हम आप लोगों को हम आगे दिखाते हैं हमारी टीवी सही